सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी के बारे में। गाइस, इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, 14 अक्टूबर से इसके फॉर्म दोस्तों चालू हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या एजुकेशन है, कितनी फीस है, किन किन को फीस जमा करवानी है, किन को नहीं करवानी है, कितनी टोटल पोस्टें हैं, क्या क्या है इसका प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है dillipolice.nic.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब जो सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लिंक दे रखा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाला क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का आपके सामने खुल जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या रखा है, आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख रखे हो आप, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख रखा है रजिस्टर्ड न्यू यूजर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ गाइस। ठीक है, आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा इस तरह से। आपको आप यहाँ पे अपना नाम डालना है, जहाँ पे लिख रखा है कैंडिडेट्स फुल नेम, नेशनलिटी क्या है आपकी, कहाँ की राष्ट्रीय आपको कहाँ के हो, आप पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, भूटान रिफ्यूजी हो, नेपाली रिफ्यूजी हो, इंडियन सिटीजन हो, कौन हो, हर एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये जो वेबसाइट दोस्तों हम देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम डालना है। ठीक है, जैसे आपने मेरा नाम डाल दिया अजय। इसके बाद जेंडर करना है, कौन से जेंडर आपका, लिंग क्या है, नेशनलिटी क्या है, मदर टंग क्या है आपकी, मातृभाषा क्या है, जैसे मेरी हिंदी है, हिमाचल गाँव में लेकिन हिंदी भी बोली जाती है, आपकी क्या मदर, आपकी जो माता है एक ही है कि आपके पापा की एक से ज्यादा शादी हो रखी है, ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पे लिखना है। मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, रिलीजन क्या, धर्म क्या है आपकी, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, चाहे एमटीएस में भी काम करते हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तब भी आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप जॉब कर रहे हो, कार्यरत हो इसमें दिल्ली पुलिस में, तब आप इसको ऐसे नो कर सकते हो। ईमेल एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है, उसके बाद कैप्चा कैप्चा करके आपको ये कर देना है। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसका फॉर्म कैसा होगा। गाइज मैं आपको बता देता हूँ इस तरह का, दोस्तों आप देख रहे स्क्रीन के ऊपर, दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखी है। अब मैं कैप्चा डाल देता हूँ, SRDMK3। लॉगिन किया, लॉगिन करूंगा दोस्तों आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। आप दोस्तों मेरा ऑफिशियल ये जो है आपको बता रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है, ऑफिशियल मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, दोस्तों खुल जाएगा कुछ ही देर में खुल जाएगा ये। तब तक दोस्तों मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। इसके दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशन है। तो गाइस थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, वैसे आप देख सकते हो ये देखिए कुल मिला के 554 वैकेंसी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें एजुकेशन क्या रखी गई। सिंपली 12th पास रखी गई, किसी भी बोर्ड से, चाहे NIOS से किया हो, चाहे स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे CBSE से बोर्ड किया हो, कोई भी बोर्ड से कर रखा हो जो सरकारी मान्यता जिसको मिली हुई हो। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, स्पीड आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड दोस्तों इसमें टाइपिंग ली जाएगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, या फिर अगर आप हिंदी में मतलब 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, सॉरी अगर आप इंग्लिश में कर सकते हो तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसका, इसके बारे में और वो इन्फॉर्मेशन। तो पोस्ट का नाम है दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, और आप देख सकते हो। अब दोस्तों आपको मैं उसके बात करता हूँ, अभी मैं आपको बात करता हूँ कि आपको इसमें दौड़ कितनी लगानी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो दोस्तों अगर आप इसमें दोस्तों अगर आप बॉयज हो, अगर मेल हो, तो आपको आपको 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप दोस्तों 12.5 फुट का लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप है 3.5 फुट का। ठीक है, ये था मेल के लिए। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में दोस्तों आपको 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फुट है, हाई जंप 3 फुट है। हाइट की बात करूं, अगर आप हाइट की बात करूं दोस्तों, तो इसमें हाइट रखी गई 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 5 इंच हाइट आपकी रखी गई है। 5 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा ST को, और जो गढ़वाली, डोगरा, कुमाऊं, मराठास, गोरखास, यानी कि जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करो तो एप्लीकेशन फीस दोस्तों आपके 100 रुपये लगेगा, जो कि आपको चलान के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड की यूज कर सकते हो, UPI से भी यूज कर सकते हो। एज लिमिट दोस्तों, मैं एज लिमिट बताऊँ, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम दोस्तों आपकी होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, 5 साल का रजिस्ट्रेशन SC ST को, 3 साल को OBC को, और स्पोर्ट्स पर्सन को दोस्तों मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन को भी 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एज में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों इसमें, ठीक है, और क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। जो आपका पेपर होगा दोस्तों, पेपर आपका होना है दोस्तों, वो होगा 125 नंबर का, जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आपकी जो रनिंग वगैरह जो होगी, फिजिकल वगैरह होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी दोस्तों, वो 25 नंबर का होगा, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या आएगा।
दोस्तों, छह पांच पार्ट में आपका पेपर आएगा। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स आता थोड़ा बहुत 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, बेसिक इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है बेसिक, ठीक है 25 नंबर की आएगी दोस्तों, 25 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के फंडामेंटल जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 100 नंबर का पेपर है दोस्तों आप, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ये और बात इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, आपको बता देता हूँ। 40% मार्क्स रखे गए जनरल एंड इकोनॉमिकली वीक वर्ड सेक्शन के लिए, अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी हो तो 35% मार्क्स रखे गए, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो 30% अंक में, अगर आप 100 में से 30% नंबर ले आते हो तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ अभी इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये थी मेन मेन इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने हर एक चीज बता दी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म मेरा खुल चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हो पर्सनल एजुकेशन आ गई, प्रीव्यू डिटेल्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। हर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको अपने साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी वीडियो से शेयर कर रहा हूँ, अपने इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी आपके सामने में दोस्तों इस चीज़ को भी छुपा नहीं रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी से हो रही है दोस्तों, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि जो झूठ झूठ बोलते हैं दोस्तों। आप देखते हैं रीलोड करना पड़ेगा आई थिंक मुझे दोस्तों, वेबसाइट थोड़ी सी बिजी है दोस्तों। ये थी इन्फॉर्मेशन देनी थी दिल्ली पुलिस के बारे में, और आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही लगे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।